हेलो एवरीवन टुडे आई अंश कुमार सिंह इज हियर विद अनदर वीडियो ऑफ द कोर्स बेसिक्स ऑफ रोबोटिक्स एंड टुडे आई एम बैक विद दिस वेबसाइट कॉल्ड टिंकर कार ये वेबसाइट एक्चुअली में एक सिमुलेशन की वेबसाइट है जिसमें आप सिमुलेट कर सकते हो सर्किट बिल्डिंग को और थ्री मॉडलिंग को आप किसी भी तरह के थ्री डिज़ाइंस भी बना सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उससे भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं सो so, अगर आप क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर आएंगे तो इस तरीके का फॉर्मेट आपके पास आ जाएगा जिसमें आप फ्रॉम द राइट साइड किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और अगर आपके माइंड में कोई भी आइडिया हो तो उसको आप एग्जीक्यूट यहाँ पे कर सकते हैं सो आई रियली अप्रिशिएट दिस वेबसाइट होल हार्टिडली एंड आई थिंक यू शुड ऑल गो क्रिएटिव विद दिस वेबसाइट नाउ गेटिंग बैक टू आर टॉपिक लेटस discuss about circuit building. So today we will be looking upon the most basic circuit of an Arduino. I don't think we can even call it a circuit. aaj hum सिर्फ एक Arduino को ही drag और drop करेंगे और उसी पे ही हमारा सबसे basic program चला देंगे. Now, as you might know कि हम जब भी create new circuit करते हैं तो इस तरीके का format आ जाता है. अब यहाँ से आप किसी भी तरीके का रेजिस्टर, एल ई डी बटन ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं एंड आई वुड लाइक यू गाइस टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ दीज डिवाइसेस एट लीस्ट नो देयर नेम ताकि फ्यूचर में अगर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे देन इट विल स्ट्राइक इन अर माइंड कि येस इट इज़ दैट डिवाइस सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस गेट द आर्डुइनो सो

ब्लॉक्स के थ्रू कोडिंग करना काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें आप सिर्फ अपने लॉजिक्स का यूज़ करेंगे आपको एक्चुअल लाइंस ऑफ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट आई थिंक टेक्स्ट के थ्रू कोडिंग वुड बी द बेटर ऑप्शन फॉर द लॉन्ग रन सो हम टेक्स्ट वाले सेक्शन में आ चुके हैं और टेक्स्ट वाले सेक्शन में एज यू कैन सी कि हमारे पास एक बेसिक कोड पहले से ही लिखा हुआ है नाउ दिस माइट बी अ बिट इंटिमिडेटिंग एट फर्स्ट कि आपको शायद वॉइड का मतलब ना पता हो आपको लग रहा हो ये सेटअप क्या कर रहा है ये पैरेंथेसिस क्या कर रही हैं ये वॉइड लूप क्या है ये डिजिटल राइट क्या है एल ई डी बिल्टन क्या है देर आर अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज़ नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी हम कोडिंग करते हैं और हम कोड करना शुरू करते हैं किसी नई लैंग्वेज पर तो सबके साथ यही होता है कि हमें काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं नए नए सिंटेक्सेस सीखने को मिलते हैं इसमें हमारी एम्बेडेड सी का यूज़ किया गया है तो लेट अस गो थ्रू ईच ऑफ देम वन बाय वन सो वी विल बी स्किमिंग ओवर देम नॉट गोइंग इन टू मच डिटेल सी ये जो वर्ड हैं ये वर्ड हमें बताता है एक फंक्शन वर्ड का मतलब ही होता है फंक्शन इसका मतलब कि ये एक तरह से आपके कोड को सेग्रीगेट कर देगा और इस कोड को रीयूजेबल बना देगा अब वॉइड सेटअप जो यूज़ होता है वॉइड सेटअप यूज़ होता है कोड को एक बार चलाने के लिए वॉइड सेटअप एक बार एग्जीक्यूट होगा उसके बाद जब तक प्रोग्राम को एक बार हम स्टॉप करके वापस स्टार्ट नहीं कर देते तब तक वॉइड सेटअप बस एक ही बारी ही यूज़ होगा बट ये जो वॉइड लूप है इसको हम बार बार यूज़ करते हैं void लूप एज अ प्रोग्राम रन्स void लूप अपने आप को बार बार कॉल करता रहता है और इसके अंदर जो लाइन्स ऑफ कोड हैं वो एक्जीक्यूट होती रहती हैं अब ये जो पिन मोड है ये पिन मोड एक्चुअली में क्या करता है ये जो पिन है उसे अलर्ट कर देता है अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो जैसे कि हमने कोई पिन नंबर दिया इस पैरेंथिस के पहले वाले हिस्से में जहाँ पे यहाँ पे अभी एलईडी ई है हमने कोई पिन नंबर दिया उसके बाद हम लिख देंगे कि वो पिन नंबर इनपुट है या आउटपुट है अब देखो हम डिजिटल पिन से या एनालॉग पिन से कोई काम करवाते हैं तो वो या तो आउटपुट में कोई काम करेंगी या इनपुट में कोई काम करेंगी सो इट इज़ आर ड्यूटी कि हम उनको पहले से ही बता दें उन पिन को कि इस पिन का काम आउटपुट के लिए होगा इस पिन का काम इनपुट के लिए होगा तो इसीलिए हमको पिन मोड में पहले से ही डिक्लेयर कर देना पड़ता है नाउ गेटिंग इन टू द वर्ल्ड लूप सेक्शन ऑफ कोड यहाँ पे आपको मिलेगा डिजिटल राइट अब ये जो डिजिटल राइट है इसका हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी पिन को हाई या लो करने के लिए हाई या लो का मतलब ऑन या ऑफ़ आप समझ सकते हैं कि वो पिन अभी फंक्शनल हो जाएगी यानी कि हाई और वो नॉन फंक्शनल हो जाएगी यानी कि लो एंड एज यू कैन सी ये डिले क्या करेगा डिले करेगा एज इट्स नेम सजेस्ट अब डिले के अंदर जो हम डालते हैं हम मिली सेकेंड में टाइम डालते हैं कि इतने मिली सेकेंड के लिए प्रोग्राम काम करना रुक जाएगा वो कुछ काम करेगा फिर वो इतने सेकेंड तक या इतने मिली सेकेंड तक रुक जाएगा सो so, अगर हम हज़ार मिली सेकेंड डालते हैं दैट मीन्स कि एक सेकेंड के लिए हमारा जो प्रोग्राम है वो रुक जाएगा सो लेट गो थ्रू ईच लाइन ऑफ कोड वन बाय वन सो हम सबसे पहले वाइट सेटअप में एंटर हुए वहाँ पे जाके हमने डिक्लेयर कर दिया कि एल ई डी बिल्टिन आउटपुट है अब वैसे तो हम कोई नंबर डाल देते हैं कि जैसे कि वन टू थ्री जो भी हमारी डिजिटल पिन को हम यूज़ कर रहे हैं उसका नंबर हम डाल देते हैं बट यहाँ पे एल ई डी बिल्टिन लिखा है अब ये एल ई डी बिल्टिन जो है ना ये एक्चुअली में पिन थर्टीन को कॉरेस्पॉन्ड करता है बस उसी का एक तरह से नाम है पिन थर्टीन का सो इफ़ यू आर फीलिंग इंटिमिडेटेड जस्ट इसको हम हटा देते हैं हम हर जगह जहाँ पे भी ये एल ई डी बिल्टिन है उसको हटा के पिन थर्टीन कर देते हैं फिर भी वो एक ही तरीके का काम करेगा नाउ तो हम वाइड सेटअप में आए हमने डिक्लेयर कर दिया कि जो पिन थर्टीन है इट विल एक्ट एज एन आउटपुट पिन ओके नाउ वी आर गोइंग टू द वाइड लूक अब वर्ल्ड लूप में गए डिजिटल राइट से हमने क्या किया हमने पिन थर्टीन को हाई कर दिया यानी कि अब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहने लग जाएगी पिन थर्टीन अब काम करने लग जाएगी फिर वो एक सेकेंड तक रुका यानी कि एक सेकेंड तक वो काम करता रहा एंड देन वी विल टर्न इट ऑफ और वी कैन से हम उसका डिजिटल राइट में लो कर देंगे फिर उसके बाद वो एक सेकेंड तक लो ही रहेगा एंड देन क्योंकि लूप बार बार चलता रहता है एज लॉन्ग एज वी डोंट स्टॉप द सिमुलेशन तो ये वापस यहाँ पे आएगा वो हाई होगा फिर हजार मिली सेकेंड यानी कि एक सेकेंड के लिए रुकेगा फिर लो होगा फिर एक मिली सेकेंड रुकेगा फिर हाई होगा इस तरीके से लूप चलता रहेगा जब तक हम कोड को स्टॉप नहीं कर देते अब चलो इसको देख भी लेते हैं अब देखो ये जो पिन थर्टीन थी वो उसका नाम एल ई डी बिल्टिन क्यों था एल ई डी बिल्टिन इसलिए था बिकॉज जो हमारा आर्डविनो ओनो है उसमें पहले से ही एक एल है जिसका आप यूज़ कर सकते हो एंड दैट एल इज़ दिस वन जिसके आगे एल लिखा हुआ है ये टी और आर वाली अलग थी इनके बारे में आई हैव टोल्ड यू गाइज इन द अर्लियर वीडियो दैट टी और आर जो एल लाइट्स हैं वो हमें ये बताती हैं कि जो हमारा आर्डविनो बोर्ड है वेदर इट इज़ कम्युनिकेटिंग विद द पी सी और एनी अदर आर्डविनो बोर्ड और नॉट बट ये जो एल ई डी बिल्टिन वाली है दिस कैन बी यूज इन अ सिमिलर वे जिस तरीके से हम एक्सटर्नल एल ई डीज को यूज़ करते हैं तो चलो हमारा जो कोड था उसको आप एक्जीक्यूट करके देखते हैं सो वी स्टार्टिड द सिमलेशन एंड नाउ एज यू कैन सी द पावर हैज़ बिन प्लगड इन और ये छोटी सी लाइट जल रही है दैट इज़ द बिल्ट इन एल ई डी तो अब आप देख रहे हो कि वो एक सेकेंड तक जल रही है फिर एक सेकेंड तक लो है एक सेकेंड तक हाई है एक सेकेंड तक लो है दैट इज एग्जैक्टली वॉट वी हैव डन इन दिस प्रोग्राम राइट नाओ यू कैन ऑल्सो एक्सपेरिमेंट विद दिस आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि ये लो ज़्यादा देर तक ना रहे तो मैंने इसको हंड्रेड मिली सेकेंड कर दिया दैट मीन्स वॉट दैट मीन्स वन टेंथ ऑफ अ सेकेंड तो हम स्टार्ट कर देते हैं सिम्यूलेशन को अब ये अलग तरीके से ब्लिंक करने लग जाएगा नाव अब आप देख पा रहे हैं कि इसका ब्लिंक का पैटर्न बदल चुका है ये काफ़ी कम देर के लिए ही लो हो रहा है सो इन अ सिमिलर वे आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट और अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड कोड थैंक यू एवरी वन